एनएसयूआई के छात्रा विंग ने संयुक्त रूप से किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। छात्रों के विकास के लिए कोई कार्य न करने का मंत्री पर लगाया आरोप। एनएसयूआई के छात्रा विंग जीडीसी छात्र संघ अध्यक्ष टीआरएस कॉलेज अध्यक्ष सह सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान छात्रा विंग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से छात्रों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। शहर में एकमात्र कन्या महाविद्यालय संचालित है। छात्राओं के लिए बार बार एक नए महाविद्यालय की मांग की गई, परंतु उस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं छात्रा विंग ने संबल योजना कार्ड से फीस माफी की बात को महज दिखावा कहा। इस दौरान छात्रा विंग ने 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाली छात्र युवा संवाद की जानकारी भी दी कि आज से 15 साल पहले जब हमने मंत्री जी को विधायक बनाया था, जब हम सबका पहला वोट उनको गया था, तो हमसे जो बड़े थे, जिसकी उम्र उस वक्त करीबन 20 साल रही होगी, जो कि अंडर एज थे, आज उनकी उम्र 15 साल बाद 35 साल हो गई है, जो कि ओवर एज हो चुके हैं। उनके पास कोई बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, महज 10,000-15,000 की नौकरी कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो कैसे पाल रहे हैं ये वो ही जानते हैं। वो इस उम्मीद से बनाए थे कि मंत्री जी जिस दिन विधायक बनेंगे या मंत्री जी बनेंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे, हमें रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा मैं ये उठाना चाहती हूँ, मैं हमारे रीवा की जनता से पूछना चाहती हूँ, बुज़ुर्गों से पूछना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने रीवा की सारी ज़मीन समदड़िया को क्यों बेच दी? क्या वो एक कंपनी नहीं बनवा सकते थे? हमारे रीवा के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो रीवा से बाहर अपना परिवार छोड़ के काम करने के लिए जाते हैं। समदड़िया बनवाना ज़रूरी था, थिएटर बनवाना ज़रूरी था, पिक्चर दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था लोगों को, लेकिन एक कंपनी खोलना ज़रूरी नहीं था। अगर उनकी इतनी पहुँच है प्रदेश में, देश में, हर जगह भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं वो देश से बाहर जाके इस मुद्दे में उन्होंने बात की कि हमारे रीवा शहर में भी कोई कंपनी खुले? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों की नज़र में है ऐसी कोई कंपनी जहाँ हम अपना डॉक्यूमेंट जाके दे सके और हमें महज 15,000 की भी नौकरी मिल सके? ऐसा कहीं नहीं है। कोई एडमिशन करवाना है तो मंत्री जी 5 लोगों का एडमिशन, 15 साल में मंत्री जी 5 जनों का एडमिशन नहीं करवा पाए कि किसी कंपनी में या उन्हें गवर्नमेंट नौकरी दे दे, नहीं। टीआरएस कॉलेज में जब हम लोग धरना देते हैं, जब हमारा धरना जाता है सीएलसी, जब हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, रोड में बैठते हैं, चक्का जाम करते हैं,